राजधानी पटना के महाराणा प्रताप भवन में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर ने किया है। इस कार्यक्रम में बिहार राज्य न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल भी शामिल हुए। इस मौके पर किशोर कुणाल ने बताया कि देश के कई हिस्सों से वैदिक विद्वान आए हैं जो कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार में भी एक वैदिक केंद्र बनेगा, इसके लिए भूमि का चयन भी किया जाएगा और जल्दी ही बिहार में वैदिक केंद्र की स्थापना भी होगी। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर ने सभा को संबोधित किया और कहा कि भारतवर्ष के बारे में विदेश के कई विद्वानों ने बखान किया है और सौभाग्य की बात यही है कि देश में भी कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने वैदिक काल के बारे में भारत के महत्वपूर्ण विषयों को कलमबद्ध किया है। उन्होंने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत में हमारे लिए वैदिक ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा कर्तव्य बनता है कि ऐसे बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपने देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी प्रतिनिधि और यहाँ सबका स्वागत होना स्वाभाविक है, मेरा कर्तव्य बनता है। महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, परंतु उसको हमने दूर कर दिया क्योंकि विदेशों से लेखक यहाँ आकर उन्होंने हमारे ऊपर कुछ लिखा है, उसको हमने प्रमाण माना, जो कि बहुत बार ऐसा हमको फंसाने का प्रयास था और इसलिए उन्होंने उनको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हमारे श्लोकों का, हमारे ऋचाओं का अनुवाद उन्होंने अपने तरीके से कर दिया जो उनको आता था। हमारे लोग, इस भूमि पर जन्मे हुए लोग अगर आते हैं, लिखते हैं और सब प्रमाण हमारे सामने यहाँ इस विषय को रखते हैं, वह विषय हमको अधिक रूप से भाता था, परंतु विडंबना ऐसी थी कि उन्होंने लिखा है हमारे बारे में, तब जाकर हमको उसको पढ़ना है। मैक्स मुलर ने क्या लिखा, अन्य कोई लोगों ने हमारे बारे में क्या लिखा, इसको इसके बारे में, इन विषयों पर हमको ज्यादा रुचि आने लगी। परंतु सौभाग्य से पिछले कई वर्षों से अब हमारे लोग इस पर लेखन करने लगे हैं और ठीक ढंग से हमारे इन सब रुचाओं का, हमारे श्लोकों का अर्थ क्या है हमारे सामने रखने का प्रयास हो रहा है और इसी को हमारे सामने आने की आवश्यकता थी। जैसे कि हम जानते हैं कि वेदों का लेखन बाद में हुआ है, परंतु श्रुति के कारण हमने इस सब का पठन इसका किया है हजारों वर्षों से और पठन करते 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 हमारे आज तक की इस पीढ़ी तक यह पहुंचा हुआ है, इसका जतन और संवर्धन करने की आवश्यकता थी, उसका भी प्रयास आजकल हो रहा है।